पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, जहां एक तरफ बच्चों से राखी बंधवाते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आए तो वहीं एक सुखद और भावुक करने वाला वीडियो हरिद्वार जेल से आया, जहां जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने उनकी बहनें पहुंची तो कैदियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हरिद्वार के जिला कारागार में भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान दूर दूर से आए भाई बहनों ने जिला कारागार में बंद अपने भाई बहनों को राखी बांधी। विगत वर्ष कोरोना की वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार प्रभावित रहा है, लेकिन इस वर्ष जो है अबाधित रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से जो है बहनें आने में हैं और अब तक जो है लगभग 200 बहनें आ चुकी हैं और अपने भाइयों को राखी बांध चुकी हैं और कई बहनें जो हैं अभी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं ताकि वो अपने भाइयों को राखी बांध सकें। साथ साथ इस वर्ष हमने अपने जो हमारे बंदी भाई हैं उनको प्रोत्साहित किया कि वह दक्षिणा के रूप में अपनी बहनों को झंडा दें ताकि उनके भाइयों की जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रभक्ति है, वो समाज भी देखे कि वो किसी से कम नहीं है। जिला कारागार में बंद कैदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर जिला कारागार में आ रही हैं। भाई बहन के प्रेम के पवित्र त्योहार को जिला कारागार में भी धूमधाम से मनाया गया, जिसके लिए मिठाइयां भी जिला कारागार में तैयार की गई हैं। कारागार में बंद कैदी अपनी बहनों को शगुन के तौर पर तिरंगा भेंट कर रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत नजारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।